हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी हाउ यू ऑल डूइंग आई होप ऑल फ्यर डूइंग ग्रेट ऑल फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट फाइव टू टेन डे स्ट्रेटजी फॉर योर एम एच सी टी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट थ्री ईयर लॉ ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंट्रेंस एग्जाम ना दिस वॉज अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ मच यू नीड टू स्कोर तो अगर आपको जीएलसी मुंबई जो कि बेस्ट कॉलेज है एम एच सी ई के का जो एग्जाम है उसके अंदर या फिर आपको आई पुणे के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको स्कोर कितना करना है ये मैं आपको बहुत क्लियर कट आज बताने वाली हूँ मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी रिवाइज कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम आपको अगर नहीं पता तो बता देती हूँ देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू शुड मेक गुड यूज ऑफ दिस पावर दिस इज अ वेरी वेरी गुड पावर एंड वी नीड टू नो कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है तो वो भी डिस्कस करूंगी बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगी अगर फ्रॉम स्क्रैच प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगी अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप नहीं कवर कर पा रहे हो तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्टकट कि कैसे आप उसको जल्दी से कवर

उटर मोर विद लॉगिरी तो आपका एग्जाम है कब थर्ड ऑगस्ट या फिर फोर्थ ऑगस्ट को आपका एग्जाम होगा ओके okay. सबसे पहले एक एम सेट कर लेते हैं क्या सेट कर लेते हैं एम सेट कर लेते हैं तो जीएलसी मुंबई के अंदर अगर हम कट ऑफ देखें तो ओ क्या होता है ओ होता है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स क्या होता है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स राइट right? अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हो और जीएलसी बॉम्बे में आपको एडमिशन लेना है तो आपका सेफ स्कोर इज 115 प्लस तो 115 प्लस अगर ले आते हो तो आपके चांसेस बहुत बहुत सारे हैं कि आपको जीएलसी मुंबई मिल जाएगा अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र राइट तो देन ऑल्सो आई वुड से एम फॉर हंड्रेड एंड प्लस एंड यू विल गेट एडमिशन फॉर श्योर ठीक है ना ये सेफ साइड एडमिशन रहता है आपका बिकॉज ईयर ऑन ईयर जो है हमारी कट ऑफ जो है वो डिफरेंट आती रहती है तो दिस इज द सेफेस्ट स्कोर दैट आई कैन टेल यू ओके पैटर्न ऑफ द एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे ठीक है नो नेगेटिव मार्किंग विच इज अ पावर

लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपका क्या इंपॉर्टेंट देखिए लीगल एप्टीट्यूड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लीगल टर्म्स एंड मैगजीन आते हैं लीगल जीके आती है तो अगर आप में अभी तक इनमें से कुछ टॉपिक नहीं किया तो आई एम गोइंग टू गो थ्रू ईच टॉपिक एंड टेल यू कैसे करना है यूनिवर्सल्स की बुक अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया बात है यूनिवर्सल्स की बुक में एक टॉपिक होगा लीगल एप्टीट्यूड एंड अगर आप लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक उस बुक में से पढ़ लेते हैं तो आपका ये वाला पार्ट ट इस टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ मतलब लीगल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसमें आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्लस टॉर्ट्स प्लस क्रिमिनल लॉ ठीक है और इसी को आप पढ़ते पढ़ते आपके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि एम e. के लेवल के हैं वो भी आपके साथ के साथ सॉल्व हो जाएंगे तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं तो आपका ये वाला पार्ट अभी भी कवर हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है अगर आपको अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रही है अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज वो कोर्स जरूर बाय करें लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप यूनिवर्सल में स्पेसिफिक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन

फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमिटी ने कहा स्वर्ण सिंह कमिटी ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स लेकर आओ तो ड्यूटीज सॉरी कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर नेवर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आई और यहां पर ना ये वाले पॉइंट के ही आपको बोरो कहाँ से हमने क्या बोरो किया कौन सा पार्ट कौन सा चीज हमने कहाँ से कौन सी कंट्री से बोरो किया है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है ना तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये कर लेना फंडामेंटल ड्यूटीज में आप कमिटीज के बारे में पढ़ें कि कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज एड करी ठीक है फिर उसके बाद हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी एक्स्ट्रा एड करी कितनी नंबर टोटल है कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है अगर आप ये कवर कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर आपका अच्छा खासा कवर हो जाता

चाहिए ठीक है फिर उसके बाद लीगल एड के बारे में कहाँ पे बात करी हुई है कौन से आर्टिकल के अंदर ये सब आप अगर याद कर लेते हैं तो आई थिंक इनफ रहेगा लास्ट मिनट के लिए आप इतना ही कर लीजिए डी से उसके बाद आपका आ जाता है लोकसभा राज्यसभा उनका प्रोसीजर जरूर जरूर पढ़ें ठीक है ना कि लोकसभा राज्यसभा में बिल कैसे लोकसभा और राज्यसभा कैसे बिल पास करती है लोकसभा एंड राज्यसभा आ जाता है ठीक है इनके अंदर ही इनके अराउंड ही आपको टॉपिक्स मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर का ठीक है प्रेजिडेंट का ठीक है ये सब कुछ ज़रूर याद करें प्रेजिडेंट की आपकी पावर्स हो गई कि क्या पावर्स हैं ये इलेक्शन कैसे होते हैं किसको रेजिग्नेशन देते हैं कौन इनको ओथ दिलाता है क्योंकि अभी अभी हमारे प्रेजिडेंट चूज़ हुई हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम की पावर्स क्या हैं ठीक है ना तो ये सब पढ़ोगे फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे वो आपको अच्छे से करना है कि जजेस जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं इम्पीचमेंट क्या होती है कौन से जजेस हैं जो अभी तक इम्पीच हुए हैं कोई हुए भी हैं कि अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी ये वाले क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज क्या होती है रिटायरमेंट की ठीक है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है अपॉइंट किस किस को कर सकते हैं जजेस कौन बनता है ये अच्छा है सुप्रीम कोर्ट कब आया इस्टबलिश कब हुआ ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से आप कर सकते हैं देन यू कैन मूव टू एमरजेंसी प्रोविजन्स देन यू हैव योर अमेंडमेंट प्रोविजन्स ये भी आप अच्छे से करें और शेड्यूल्स याद करें बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल महाराष्ट्र के हिसाब से जो है वो है आपका टेंथ शेड्यूल टेंथ शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ में तो और आपको अगर चाहिए कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हमें याद करने तो वो मेरी वेबसाइट पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम पे जाएंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सर्च करेंगे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी तो वहां से ये आप बेसिक कवर करें ठीक है थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आप आ जाए एमसी क्यूज पे एम सी क्यू सारे ऑल द एम सी क्यू सोल्व करने हैं और अगर कोई एम सी क्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया है तो थ्योरी पे वापस जाइए उसको समझिए एंड वापस आइए तो अगर आप एम सी क्यू सॉल्व कर देते हैं तो रिपीट सेम एम सी क्यूज आने के बहुत चांसेस रहते हैं तो अगर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करा है तो फटाफट से जो मैंने कहा है या आप तीन चार चार दिन में भी कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी कर रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं उसके बाद हमारा आ लीगल टर्म्स एंड अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू पे एक फ्री पीडीएफ अवेलेबल किया हुआ है अगर आप लॉगिरी फ्री पीडीएफ लॉगरी पीडीएफ लीगल टर्म्स एंड मैगजीन कर गूगल कर पे जाएंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा लीगल जीके के अंदर आपको यूनिवर्सल्स के अंदर से लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज बहुत बच्चे पूछने दी टॉपिक नहीं मिल रहा वहां पर ही है मेरे पास बुक है ऐसी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ लीगल अवेयरनेस एमसी क्यूज है अराउंड थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे याद कर कर जाने हैं आपको एंड दिस इज हाउ यू कैन कम्पलीट योर लीगल एप्टीट्यूड इनमें से कुछ भी चीज अगर नहीं किया है सारा नहीं किया अभी भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा ओके जनरल नॉलेज की बात करते हैं जनरल नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू एक तो हमारा स्टैटिक जीके है और दूसरा जिससे हर किसी को डर लगता है वो है करंट अफेयर्स राइट तो स्टैटिक जीके के अंदर जो आप कर सकते हैं वो है हिस्ट्री जोग्रफी जनरल साइंस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट डेज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटिक जीके के लिए जो बेस्ट है यूनिवर्सल की बुक ले और उनमें से एमसीक्यू सॉल्व कर ले इन टॉपिक्स के आई नो रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ बट लास्ट मिनट यही बेस्ट वे है ठीक है अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है जहां से भी के करा कराए तो रिवाइज भी करना स्टार्ट कर सकते हैं रिविजन इज द बेस्ट वे टू लर्न जीके उसके बाद करंट अफेयर्स देखिए पास्ट वन ईयर की करनी होती है एमएचसीडी के लिए जो बेस्ट रहती है बट अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो देखिए अगर जहां से भी आप पढ़ रहे थे किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स किसी मैगजीन को पढ़ रहे थे कुछ भी एक्स वाई जी कॉन्टिन्यू रखें उसको और ट्राई करें कि आप मिनिमम टू मिनिमम जनवरी ट्वेंटी से लेकर जून ट्वेंटी से तक की आप न्यूज अपनी पढ़ लें मिनिमम अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर ट्वेंटी भी इंक्लूड कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे एंड के अंदर प्लीज

एनालॉजी का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे बहुत ही बड़ा टॉपिक है कॉन्सेप्ट समझ लें पजल टेस्ट भी बहुत ही बल्कि टॉपिक है इसका भी एग्जाम्पल सॉल्व करें एंड जो आगे वाली हैं वो ही सॉल्व करें लास्ट वाली आप छोड़कर भी जा सकते हैं तो ये सारा आपको करना है डायरेक्शन सेंस टेस्ट टेस्ट पजल टे, ब्लड टेस्ट ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स हैं ऑड वर्ड्स भी शॉर्ट टॉपिक है आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो भी आपसे हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीरीज जो है वो डिफरेंट टाइप की सीरीज के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ओके बात करते हैं इंग्लिश की इंग्लिश जो है आपकी फिफ्टी मार्क्स की है इसके अंदर से अगर मैं एंड गेम बोलू तो एनोलॉजी आपकी लॉजिकल में हो रही है ये जरूर पढ़कर जाना क्योंकि गेस्ट वर्क कर सकते हो ईडियम अगर अराउंड 200 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड डीडीएम्स पढ़ जा सकते हो तो पढ़ लो इसके लिए आप एस पी बखी की बुक ले सकते हो आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो कोई बुक आपके पास ऑलरेडी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वहां से पढ़ सकते हो जो चीजें आप अभी भी कर सकते हो वो है एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर अभी तक इंग्लिश नहीं आत लगाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर जरूर प्रैक्टिस कर जाओ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिवर्सल के लेवल के भी प्रैक्टिस कर जाओगे तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर नंबर वन ये नंबर टू कॉमन एरर स्पॉटिंग एरर सॉल्व करने के लिए अगर आप टेंसेस प्रेपोजिशन सब्जेक्ट वो

वीक टॉपिक्स तो एक प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ कि कुछ चीजें मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगे वो जरूर देख लेना एज अ टेस्ट वो आपकी शायद हेल्प कर दे ठीक है ना तो ये चीज है नहीं तो जहां से भी आप मॉक्स कर रहे हो वहां से आप करिए सॉल्व और उनको एनालाइज करिए और जो आपको टॉपिक रेकरिंग मिस्टेक है जिन भी टॉपिक्स में वो आप जरूर उन टॉपिक्स पे जीरो से काम करें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है फाइव टू टेन डेज आपके पास हैं। इवन है इवन अगर लास्ट के दो दिन रह गए इवन आप अगर आपका लास्ट डे है तो अपने वीक टॉपिक पे काम करने की जरूर कोश, कोशिश करें बट अगर ऐसा लग रहा है वीक टॉपिक नहीं मेरा ठीक हो सकता तो वीक टॉपिक को छोड़ छोड़ दें उसकी टेंशन मत लें एंड रिवाइज कर लें बट अगर मैं ये लास्ट डे की बात कर रही हूँ अगर आपके पास सेवन टू एट डेज है फाइव सिक्स डेज भी अभी पढ़े हैं पेपर से पहले इवन फोर डेज भी पढ़े हैं तो वीक टॉपिक्स पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है और जो एमएचसीटी का सिलेबस

आप अपने मॉक्स को दे रहे हो या इवन फोर आवर्स मॉक को दे रहे हो तब भी सही है कि जिसमें मैं कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट दिया ठीक है ना उसको एनालाइज किया ठीक है ना फिर उसमें से लिस्ट बनाई एनालाइसिस करते हुए कि कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं किस चीज पे मुझे काम करना है तो ये करने में अगर आप दो घंटे मॉक का दो घंटे एनालिसिस का भी लगाते हो तो इट्स ओके हर रोज मॉक सॉल्व नहीं करना है अगर आप फोर डेज में या टू डेज में भी वन मॉक सॉल्व करते हो तो दैट इज फाइन मैं कहूंगी सबसे बेस्ट है थ्री डेज में वन मॉक करो एंड उसको एनालाइज अच्छे से करो मॉक पे मॉक पे मॉक सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है until, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो फाइंडिंग योर वीक पॉइंट्स एंड फिर उनपे काम करना और अपना स्कोर बढ़ाना ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ठीक है ना रिविजन एक साइड आपकी चल रही होगी ठीक है जिस दिन आप मॉक कर रहे हो उस दिन आप मॉक के लिए टाइम निकालोगे एनालिसिस के टाइम निकालोगे नहीं तो अपना पूरा का पूरा टेन टू ट्वेल्व आवर्स किस को दोगे रिविजन को दोगे तो रिविजन किस में करना है कैसे करना है वो मैं बताऊंगी सेपरेट प्लान बनाना है ठीक है ना ट्राई करो कि कम से कम टू टाइम्स टेन डेज के अंदर फाइव टू टेन डेज में आप ten, कम से कम टू टाइम्स अपना सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर दो मॉक आप दे रहे हो ठीक है उसको एनालाइज करना है टॉपिक्स फाइंड करने हैं जिसमें से जिनकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं और फिर देखने कौन सा इजीएस्ट टॉपिक है जिससे थ्रू आप अपना मार्क्स जो है वो बढ़ा सकते हो ऐसे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे मॉक्स में हाउ टू रिवाइज नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नो न्यू सोर्स मैं हमेशा बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे इंस्टाग्राम पे हमेशा ये बोलती हूँ कि सेम बुक्स से रिवाइज करो स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम कोई भी नई बुक इंट्रोड्यूस मत करो अनलेस एन अंटल आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है अनलेस एन एंटल आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है और अब आपका सारा सिलेबस हो गया वो टॉपिक आपको करना पड़ेगा अगर आप रिविजन कर रहे हो डोंट स्टडी फ्रॉम अ न्यू बुक इंस्टेड जो बुक में से पहले पढ़ा था उसमें से तीन चार बार पढ़ लो तो बहुत अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम अ न्यू बुक गो बैक टू या योर ओल्ड बुक्स नोट्स हैं बुक्स हैं कुछ भी है वहाँ से पढ़ो ठीक है और अगर आपने मार्क किया हुआ है चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है तो उनको ज़रूर पढ़ो मतलब हमें थ्योरी पढ़नी है और सबसे पहले टिप यहाँ पे क्या दे रही हूँ ट्राई करो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले आप स्टडी करो फॉर एग्जांपल लीगल एप्टीट्यूड पढ़ने बैठ रहे हो तो ट्राई करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ लो पहले रिवाइज कर लो क्वेश्चंस लगा लो ठीक है फिर उसके बाद आप आ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स रिवाइज करो क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा आती हैं और अगर आप एक्स्ट्रा जो चीज कर सकते हो अभी वो भी कर सकते हो लैंडमार्क जजमेंट्स कमिटीज वाली जजमेंट्स जो मैंने करी हुई हैं एम के लिए भी वो यूजफुल रहती है वो देख जाइए उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट करें फिर रीड थ्योरी इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब आपको थ्योरी भी पढ़नी है रिविजन में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अगर मार्क क्या किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया नहीं किया हुआ तो पढ़ो जहां पर लगता है ये इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन

बहुत बच्चे ओवरऑल स्कोर देखकर ही कहानी खत्म कर देते हैं नहीं कहानी कहानी वहां पर खत्म नहीं होती इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि मेरे कौन से टॉपिक्स हैं जो गलत जा रहे हैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूं मैं मॉक के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं वो भी गलत कर रही हूँ क्यों हो रहा है ऐसा क्या ये डर की वजह से हो रहा है फियर की वजह से मैं क्वेश्चन गलत कर रही हूँ या फिर मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है या फिर मैं बबलिंग गलत कर रही हूँ अब देखिए यहाँ पे बबलिंग का वो नहीं आता बिकॉज आपका जो कंप्यूटर पे पेपर होने वाला है ठीक है ना तो आप मेक्षा तो sure करना है कि आप क्या गलती कर रहे हो अगर आपकी गलती इज नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसकी भी लिस्ट बनाओ सो so दैट आप एग्जाम से पहले हर मॉक से पहले उस सिली मिस्टेक को पढ़ो ताकि आप दोबारा दोबारा वो मिस्टेक्स मत कमिट करो दिस इज वन टिप दैट आई टू गिव सेकेंड टिप अगर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार गलत जा रहे हैं तो उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी वो कैसे होगी मान लो आपने थ्री मार्क्स अटेम्प्ट उन थ्री को उठाओ और देखो वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने गलत करें उनकी लिस्ट बनाओ और फिर एक पैटर्न आपको मिलेगा उसमें आपको जो जो टॉपिक ऐसा लगता है कि हाँ इसमें मेरी गलती हो रही है उसको उठाओ उसको जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर दो जीरो मतलब थ्योरी पढ़ो उसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसके ठीक है हाउ टू द पेपर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है सेज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग ट्रीट the पेपर as वन यूनिट आपको ये नहीं देखना है इस सेक्शन को इतना टाइम देना है इस सेक्शन को इतना नो no, वो करना ही नहीं है सारा पेपर एक यूनिट है और उसके अंदर आपको दो राउंड के अंदर पेपर सॉल्व करना है कितने राउंड में टू राउंड में फर्स्ट राउंड में।, फर्स में क्या करेंगे फटाफट से वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मेरे हंड्रेड परसेंट शोर वाले क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट शोर वाले क्वेश्चन जिनका आंसर मुझे पक्का बता है कि यही आंसर है ठीक है उसके बाद सेकंड राउंड में मैं क्या करूंगी सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन का मुझे फिफ्टी फिफ्टी ऑप्शन है या फिर मैं एक ऑप्शन वन ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रही हूँ वो सॉल्व करूंगी प्लस गेस्ट वर्क वाले देखिए जब आप क्वेश्चन पे सेकेंड टाइम आएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि जिस जिस क्वेश्चन ने आपको जीरो मार्क्स देने थे बिकॉज hmm. आपको वो कॉन्सेप्ट आपको वो लाइन याद आ गई तो आपको वो प्लस वन मार्क्स दे जाएगा और ऐसा होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं काम करता रहता है तो अगर आप ऐसे पेपर कर जाते हैं तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे 100% इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर कर जाइएगा पेपर को टू राउंड्स में मिनिमम सॉल्व करना है ठीक है ना मेरे जितने बच्चे लास्ट ईयर एमएचसीटी का पेपर देकर आए थे उनमें से बहुत-बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लियर हो गया था एंड उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने कहा कि दी इसी वजह से हमारे गुड 7 टू 8 मार्क्स बढ़ पाए ठीक है ना तो यह स्ट्रेटजी जरूर लगानी है गाइस क्योंकि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं है सब कुछ अटेम्प्ट करना है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर वीडियोस रिलेटेड टू एम एच सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेल्प यू फॉर श्योर ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना प्रॉब्लम्स क्या फेस करो कॉमेंट करके जरूर बताना आई ट्राई टू कम अप विद वीडियो और आई विल रिप्लाई टू द कॉमेंट राइट अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो क्या करना है लाइक like करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो हम आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ठीक है ना तो यस इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आई सी यू सुपर सून बाय एंड टेक केयर आई लव यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम अभी और भी वीडियोस आएंगी टेंशन मत लो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना बस अपना हंड्रेड परसेंट देना है